अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला कुरैशी एंड आई वेलकम यू टू योर फेवरेट शो चाय विद सुल्तान। एक ऐसा शो जिसमें हम आपके फेवरेट सुल्तान से मिलाते हैं, उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं और उनसे खूब गपशप लगाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने अपने खूब टैलेंट की वजह से दुनिया के क्रिकेट में आग लगा दी है। लेट्स वेलकम सैफ बदर। अस्सलामु अलैकुम सैफ, क्या हाल है आपके? हर क्रिकेटर की एक जर्नी होती है जिसमें पूरा उनका प्रोसेस होता है, कहाँ से उनका शौक पैदा हुआ और कहाँ से वो खेलते मेहनत करते करते पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए। आप अपनी जर्नी बताएं, आपको ये शौक शुरू से था या एकदम से बड़े हो के आपको शौक आया कि यार चलो क्रिकेट ही ट्राई कर लेते? सबसे पहले मुझे ही क्रिकेट का शौक था, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब को था, तो घर में मैं खेलता था, गली में खेलता था। तो जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो घर में काफ़ी अम्मी और मेरी दादी अम्मा तो वो कहती थी नहीं इसको बढ़ाना है, तो ये काफ़ी मसला चलता रहा, एक दो साल चलता रहा, लेकिन अब्बू कहते थे नहीं मैं इसको क्रिकेटर बनाना, तो अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा खेलने लगे तो फिर घर वालों को भी पता चल गया, फिर घर वाले भी सपोर्ट करने लगे। तो आपके वाली बात ठीक है कि अब्बू का काफ़ी ज़्यादा मदद। तो मुश्किल होती थी अपनी लाइफ मैनेज करने में एज इन योर स्टडीज़ और फिर क्रिकेट और फिर घर वालों की एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल होती थी, क्योंकि अम्मी और दादी अम्मा को ये था कि ये पढ़े, तो उसकी वजह से। लेकिन अब्बू कहते थे ठीक है पढ़ाई को टाइम देते हैं लेकिन क्रिकेट को भी टाइम दे। तो जब फिर मैं अंडर 19 खेला तब जाके तो फिर घर से थोड़ी रिलैक्सेशन मिली। तो लेट्स टॉक मोर अबाउट योर अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से आपकी करियर का ऐसा मोमेंट था जिसने आपको क्रिकेट फ्रेटर्निटी में एक प्रेजेंस दी, एक मकाम दिया। उस जर्नी के बारे में बताएं कि कैसा आपका नाम आया, टूर्नामेंट में गए, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दी और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने आपकी तारीफ की, इस पूरी जर्नी के बारे में आप बताएं कैसी रही है? अंडर 19 में जब मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुई तो उससे पहले हमारा दुबई का टूर था, उधर से हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना था। उधर हमारे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस थे, वो मैचेस थे, उधर से मुझे अच्छा स्टार्ट मिला। पहले दो मैचों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, फिर अगले दो मैचेस में, एक में मैंने 99 नॉट आउट रन किया, एक में 53, तो वो वर्ल्ड कप से पहले वो परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी थी, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हम वर्ल्ड कप के लिए गए तो वर्ल्ड कप में एक दो मैच के अलावा बाकी मैंने सब मैचों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, तो वो मेरे क्रिकेट कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा था और वो मैंने परफॉर्मेंस इन्जॉय भी की। उसके बाद जब मैंने देखे कि मेरे बारे में मतलब क्रिकेटर्स ने, पुराने क्रिकेटर्स ने जो रिमार्क्स दिए थे उनको देख के, ये विशेष ने आपके बारे में बड़ा अच्छा रिमार्क दिया था कि ये बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में जगह बना लेंगे। अच्छा। और इसके अलावा जावेद नियादात तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। नहीं आकिब जो है, आकिब जावेद भी है, जावेद नियादात भी है, कमेंट्स पढ़े हैं ना अल्लाह की, हाँ जी अल्लाह की कसम। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तैयार हो? इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने 75 रन बनाए थे 80 बॉल्स पे जी। अब मुझे बताओ बाउंड्रीज कितनी मारी थी? हाँ बाउंड्रीज उसमें आई थिंक सिक्सर्स मैंने मारे थे 3। अच्छा, जो चौके थे वो 4 थे शायद। सोच लो फिर से। गलत हो, 4 चौके, 5 चौके, 3 छक्कों की जारहाना इनिंग्स आपने खेली थी, 80 बॉलों पे 75 रन आपने बनाए, ये मैच जीते थे, हारे थे? जीते थे। तो अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से। अब हम मुझे बताएं, आपने ड्राफ्ट देखा होगा, क्या वो लम्हात थे जब इमर्जिंग कैटेगरी अनाउंस हुई और नाम प्लेयर्स के अनाउंस, हमारी मुल्तान सुल्तान्स की 6th बारी, सबसे आखिरी बारी, सब टीमें नाम लिए जा रही हैं, आपका नाम अभी तक नहीं आया, आप वेट कर रहे हो, वो लम्हात का कुछ बताएं किस तरह से गुजरे? जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो मुझे अभी भी याद है, जब इमर्जिंग की बारी आई, इमर्जिंग कैटेगरी की, तो मैं बिल्कुल बैठ के कॉर्नर पे बैठा हुआ था ऐसे करके। अच्छा, तो जब पहले एक इमर्जिंग प्लेयर मुल्तान का पिक हुआ अब्दुल्ला शफीक, फिर उसके बाद मुल्तान की पिक भी सबसे लास्ट पे थी, बिल्कुल, तो वो मेरी दिल की धड़कन होती जा रही थी। हाँ, तो फिर जब इमर्जिंग की बारी आई तो मेरा नाम लिया गया, तो मुझे याद है सबसे पहले तो ऐसे मैं बैठ के पीछे बिल्कुल गिरा। हाँ। बैठ के कॉर्नर पे बैठा था, फिर उठ के मैंने सजदा किया, फिर मेरे अब्बू का फ़ोन आया, उनसे बात की, तो काफ़ी एक तो पहले नर्वस था फिर खुशी मिली,
काफ़ी अच्छा मोमेंट, बहुत प्राउड मोमेंट होगा इस वजह से भी कि आपके सियालकोट के कैप्टन शोएब मलिक इस टीम के कप्तान हैं, वही आपके कप्तान होंगे अगले PSL में। कैसा महसूस करते हैं वापसी उनकी कैप्टनसी में खेलना? उनकी कैप्टनसी में खेलना मेरी शुरू की ख्वाहिश थी। एक बार पहले हम खेले थे पंजाब से, तो उसके बाद दोबारा खेलना, तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट होगा जब मैं उनकी कप्तानी में दोबारा खेलूँगा, क्योंकि वो मेरे आइडियल भी हैं और मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ, और जब वो सियालकोट में भी होते हैं तो उनसे पूछता हूँ, वो काफ़ी हेल्प भी करते हैं मेरी। मुल्तान सुल्तान की बात हो और सुल्तान और स्विंग की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या लगता है अब आपको इस सीज़न में, ये सीज़न आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ? वसीम भाई एक बहुत बड़ा नाम है, एक लेजेंड है, तो उनके बारे में सुना ही है, मेरा अभी तक उनके साथ कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, लेकिन ये मैंने सुना है कि वो काफ़ी हेल्प भी करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लेकिन उनके टेम्परामेंट करने भी मुझे पता वो जब इंशाल्लाह भाई मैं जब वसीम भाई से मिलता हूँ ना तो मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बस चुपचाप उनके सामने रहता हूँ, हाथ मिलाता हूँ और साइड पर खड़ा रहता हूँ। क्रिकेटिंग की तो बातें तो होती रहेंगी, आपके साथ एक नया सेगमेंट मुझे खेलना है, वो है रैपिड फायर राउंड। मैं एक सवाल करूँगा, आपके दिमाग में जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो आप फटाफट देना। सही है, स्टार्ट करें, चलते फिरते करते हैं, बैठे बैठे मैं भी बोर हो गया, आप भी बोर हो गए होंगे। चलो तो तैयार हो सैफ जी? बिल्कुल। जल्दी जल्दी आंसर देने, जितनी जल्दी दोगे उतना तुम्हारा टेम्परामेंट बढ़ता जाएगा। बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग। डे टेस्ट या फिर डे नाइट टेस्ट? डे नाइट टेस्ट। T20 या फिर ODI? T20। पाकिस्तान और अब्रॉड? पाकिस्तान। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। आईफोन और एंड्रॉइड? आईफोन। लाहौर या मुल्तान? मुल्तान। ये आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, रैपिड फायर में तुम आप बहुत रैपिड चल रहे थे, अब देखते हैं तुम कितने रैपिड हैं। तुमने हमारा शो तो देखा होगा, उसमें एक सेगमेंट आता है टेप बॉल चैलेंज, बड़े मैदानों में खेलोगे, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलोगे, लेकिन अब आ गए हो तुम मेरे मैदान में। अब्दुल्ला भाई बड़े बड़े आए थे, बड़े बड़े देखे ने, चलो आओ उन तो आने भी देख लेने। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लगी थी, एक बंदा बार बार लाइन में आता और लाइन में लगने की कोशिश करता, सब उसे धक्का मार के बाहर निकाल देता था। वो आगे से बोलते कहते भाई तुम ही हंस रहे हो। हंस गया, मैं अगली लाइन बोल गया, मैं अगली लाइन बोल गया। तो नीचे देख के कर लो, नीचे देख के कर लो। नहीं मैं लाइन बोल गया इस वजह से, मैं उसको देख के हंसी आ रही थी। व्हाट डज द पुलिस इन पाकिस्तान से टू पीपल हु स्टील एग्स? यू आर अंडर अरेस्ट। थोड़ा सो तो थोड़ा सा नहीं, एक हाथी अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? गीला हो के निकलेगा भाई, और कैसे निकलेगा? हंस पड़े, हंस पड़े नहीं देख ले, हंस पड़े। अ बनाना इज सो लोनली बिकॉज इट इज अकेला। इस पे भी नहीं यार, इस पे तो बनता था यार। तीन और तीन के आठ कैसे हो गए? गलती से ही होंगे, वैसे तो छह होते हैं। थैंक यू सैफ फॉर बीइंग अ स्पोर्ट। इस नोट पे हम लोग आज का शो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन सैफ, ये हमारे से एक छोटा सा बैट है, इस पे आपके साइन।